दोस्तों देख लेते हैं किट में आपको किस तरीके से क्या क्या मिलने वाला है। तो कुछ इस टाइप का बॉक्स रहेगा आपको, और इसमें ये कंटेंट की डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी आपको कि क्या क्या आपको इस कंटेंट में, इस बॉक्स के अंदर कंटेंट मिलने वाला है। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो सबसे पहले आपको कंटेंट में सबसे पहले स्विच ये मिलेगा जो कि कंट्रोल करेगा आपके दोनों साइड के जो मिरर हैं उनको, तो इसको साइड में रख देते हैं। एक ये आपको हम देंगे, इस टाइप का एक कटर रहेगा जो कि आप हीट करेंगे और हीट करके डैशबोर्ड में इस स्विच के लिए जगह बनाएंगे, क्योंकि आसानी से डैशबोर्ड में कटिंग करना बहुत आसान काम नहीं है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे तो उसके लिए हमने ये हीट कटर बनाया है। तो इस टाइप का रहेगा, मैंने एक बार यूज़ किया है ये चेक करने के लिए, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अभी आपको अपने डैशबोर्ड में मैं दिखाऊंगा कैसे इससे करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ रहेगी इसमें एक्चुएटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करेंगे हमारे दोनों मिरर को। ये दो पीस रहेंगे। आपको मिलेंगे, और साथ में मिलेगी कंप्लीट वायरिंग। वायरिंग मैंने गाड़ी में ऑलरेडी पहुंचा दी है, तो वायरिंग को उधर ही देखते हैं। तो ये बॉक्स कंटेंट था, एक तरीके से अनबॉक्सिंग था प्रोडक्ट का, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो चलिए गाड़ी में चल के वायरिंग देखते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस कैसे कैसे इसको करना है वो देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, अभी आपने देखा ओपन बॉक्स रिव्यू प्रोडक्ट कैसा था, तो इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरी गाड़ी है और ये है इसकी ORVM इस टाइप के, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसी टाइप के ORVM किसी भी गाड़ी में रहेंगे, रेनॉल्ट की फ़िलहाल की जितनी गाड़ियाँ हैं, जैसे काइगर है और ट्राइबर है, क्विड है, क्विड में भी कोई भी मॉडल हो, ORVM ऐसे होने चाहिए। साथ में दूसरी गाड़ियों के लिए भी सेम वीडियो काम करेगा, सेम किट काम करेगी। और वो दूसरी गाड़ियाँ हैं जैसे आल्टो, वैगनार, सिलेरियो और टाटा की एक दो गाड़ियाँ हैं। आप हमारे वेबसाइट पे साइड मिरर सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात है इसको इंस्टॉलेशन करने की, तो इंस्टॉल करके मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये बेसिक मैनुअली कंट्रोल है, तो मैं आपको यहाँ से एक मिनट इसको दिखा देता हूँ। ये ऐसे मैनुअली कंट्रोल करने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि इसको हमें निकालना है, इसको खोलना है हमें। तो इसको खोलने के लिए हमें कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ करना होता। आप देखेंगे जैसे ये जो है ना, ये दिख रहे हैं, ये लॉक हैं इसके। तो हम जैसे ज़ोर से इसको खींचेंगे बाहर तो ये खुल जाएगा। इसको अगर हम ऐसे ज़ोर से ऐसे, ये फंसा हुआ भी तो 2016 का है, तो मैं इसको थोड़ा अभी कोशिश करता हूँ आपके सामने ही, और ये खुल गया, देख लीजिए, टूटा तो नहीं है ये, और ये निकल गया, ठीक है। तो हम इस पार्ट को रिप्लेस करेंगे, अभी मैं आपको रिप्लेस करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत पुराना मिरर है मेरा ये, और ये हमने इसको ओपन कर लिया। तो इसके जो स्क्रू हैं ये, इन्हें आप संभाल के रखिएगा थोड़ा। ये चीज़ आपको अलग लग सकती है मेरे मिरर में, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 कैमरे बर्ड व्यू सिस्टम लगाया हुआ है, तो ये कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, तो इससे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वायरिंग अलग है, अभी फ़िलहाल अंदर से मैंने इसको डिसकनेक्ट किया हुआ है, तो ये आपको
कंफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, ये आप माइंड में अपने वाले में मत लेके चलना। तो हमारा ये क्लियर हो गया है, तो अब हम इस ये पुराने वाला हो गया हमारा, और ये हम किट में से नया ले लेंगे। दोनों में से कोई सा भी लग सकता है, लेफ्ट राइट का इसमें कोई चक्कर होता ही नहीं। तो इसके हम सिंपली क्या करेंगे कि ये दो इधर हैं, एक ये ऊपर है, तो ये ऊपर है, यहाँ पे करके इसको वापस से लगा देंगे। ये है, तो इसमें जो है जो वायरिंग है वो इसके बैक साइड में जो एक कनेक्टर है यहाँ पे, वो 3 पिन कनेक्टर वो यहाँ पे लगेगा आके, तो सिंपली ये कंप्लीट हो जाएगा। ये वायरिंग यहाँ से होती हुई अंदर जाएगी और दरवाजे से पास होगी यहाँ से और यहाँ पे पहुँचेगी। तो ये तो मैंने लगा दिया है यहाँ पे, अब मैं आपको वायरिंग दिखा देता हूँ कैसी है। ये मैंने वायरिंग, ये प्रोटोटाइप वायरिंग है, मतलब आपको बिल्कुल जेन्युइन नई वायरिंग मिलेगी बॉक्स के अंदर, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है उसके जैसी। ये एक कनेक्टर मिलेगा मेन, जो कि स्विच के पीछे यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। स्विच यहाँ पे आने वाला है, अभी लगाएंगे स्विच। तो ये वायरिंग मैंने एक्चुअली वायरिंग को आपको दिखाने के लिए यहाँ पर दिखाया, तो इसमें 3 पार्ट आपको मिलेंगे। फर्स्ट ये 2 वायर मिलेंगे, रेड और ब्लैक, ये ओपन है, बस ये आपको कहीं भी कनेक्शन देना है इनको, कहीं से भी। लॉट ऑफ पैलेस कार में होती हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट बैटरी से भी दे सकते हैं, या फिर किसी स्विच के माध्यम से कहीं सिग्नल आ रहा है तो वहां भी आप दे सकते हैं। तो ये रेड और ब्लैक, प्लस और माइनस, ये दोनों वायर को आप बैटरी से जोड़ दीजिए। तो ये हुआ एक पार्ट, ये 2 वायर कॉर्नर पे निकले हुए रहेंगे छोटे, इनको आपको छेड़ना नहीं है, ये फ्री हैं, ये इसमें वर्किंग में नहीं है। बाकी ये 3-3 वायर्स के 2 पेयर हैं, एक पेयर है 3-3 वायर का, जो कि एक लंबा है, लंबा वाला जाएगा लेफ्ट में इधर और वहाँ पहुँचेगा, जो छोटा साइज़ है वो जाएगा राइट में और इधर कनेक्ट होगा। तो इसका जो कनेक्टर है वो इस टाइप का है, ठीक है, ये कनेक्टर है, ये यहाँ पे इसके पीछे लगेगा, अभी लगा के आपको दिखाते हैं। तो ये आपको प्लग टू प्लग मिलेगा, मतलब यहाँ से बस आपको पास करना है गेट से और ये प्लग टू प्लग निकलेगा। तो यहाँ मैंने एक साइड, तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो मैंने डाल दी है, और मैंने यहाँ इसके पीछे म्यूजिक सिस्टम को खोला, मैंने म्यूजिक सिस्टम के पीछे से होते हुए वहाँ से फिर यहाँ निकली है, और यहाँ से हमने इसको उधर निकाला है, मैं अभी आपको उधर जाके दिखाता हूँ। तो ये वायरिंग यहाँ पे आके हमने छोड़ दी है, ये बस एक्चुएटर में कनेक्ट होगी ऐसे, ये यहाँ से अंदर से आई है, आप देख सकते हैं ये आई है, और यहाँ से पास हुई है, जो यहाँ वायरिंग निकलती है ना, ये यहाँ से इस रबर के पास अंदर से होती हुई यहाँ निकली है, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ ये आई है, यहाँ से ये इसके ऊपर से होता हुआ ग्लोव बॉक्स के, आप देखेंगे हाथ डालेंगे जैसे ही अंदर, तो यहाँ कार की और भी वायरिंग्स हैं, तो वहाँ आप इसको आराम से एक बार लपेट सकते हो, टेप कर सकते हो, इसके पीछे से होते हुए और इसके पीछे से होते हुए यहाँ से फिर इसके पीछे से होते हुए इधर निकालते हुए वहाँ जाएगी ये, तो नीचे निकाल दिया मैंने, और जो भी फालतू बचेगी उसे वहाँ पे हम मोड़ देंगे। ये लेफ्ट साइड का है, तो मैं इसे भी खोल लेता हूँ, इसे खोलने के बाद चेंज कर लेता हूँ इसे भी। तो ये भी खोल लिया है मैंने, इसे साइड कर देता हूँ,
और इसकी जगह ये इलेक्ट्रॉनिक ले लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे ये जो इसमें जगह बनी होती है ना, यहाँ यहाँ वो कनेक्टर को कनेक्ट करना है। तो पहले हम कनेक्ट करेंगे, बाद में इसको हम फिर इसमें लगाएंगे। ये वायरिंग यहाँ से लाके हमने कनेक्ट कर दी है इसमें, तो इन्हें अब हम वापस से लगा देते हैं यहाँ। ये कुछ इस टाइप से यहाँ से वायरिंग आपको जाती हुई दिखाई देगी। ये टाइट कर दिया मैंने, तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर को हम अंदर खींच लेंगे। काफी है इतना इतना थोड़ा सा, तो थोड़ा ढीला हम छोड़ सकते हैं यहाँ पे इतना, ठीक है। अब हमें ये पुराना जो मिरर है हमारा, इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसानी से लग जाता है, ये देख सकते हैं आप, इसके लॉक हैं सारे, क्लक क्लिक करके अंदर लग जाएगा ये। ऐसे करके हम इसे पकड़ेंगे और ज़ोर से दबा देंगे और ये लग गया। आप देख सकते हैं हाथ से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट हो चुका है। इस पे हम कैप लगा देंगे। लेफ्ट वाला तो भाई हो गया, ठीक है। अभी बचा है राइट वाला। राइट में क्योंकि अभी वायरिंग भी नहीं डला है मैंने, ये पेंडिंग है और ये खोलना पड़ेगा मुझे। ये मैंने इसलिए नहीं खोला था कि आपके सामने मैं खोलूँगा, तो ये मैं अभी खोल देता हूँ और वायरिंग इधर से लेके जाएंगे हम और वहाँ तक डालते हुए भी दिखा देंगे एक बार। तो इसे खोलने के लिए यूजुअली हमें ये एक स्क्रू खोलना पड़ेगा, एक स्क्रू ये खोलना पड़ेगा, और इसे निकालने के बाद में एक स्क्रू इसके यहाँ पे नीचे सामने लगा हुआ है उसको खोलना पड़ेगा। तो ये ज़ोर से मैंने खोल के और ऊपर को निकाला तो निकल गया। यहाँ से भी मैंने स्क्रू को खोल लिया, इन्हें यहाँ पर साइड में रखता हूँ, और एक स्क्रू यहाँ पर है, इसे भी मैं खोल लेता। एक हाथ से काम करना यार बड़ा मुश्किल है, साथ में वीडियो बनाना। तो ये भी खुल गया। अभी इसको खोलने के लिए बस आपको मैं एक छोटा सा आइडिया बताता हूँ। किधर गया मेरा, चलो इसी से यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा यहाँ देंगे और जोर से इसे, और ऐसे करके हम धीरे धीरे लॉक खोलेंगे इसके। अब देखेंगे कि ये लॉक है ना, ये अंदर दिख रहे हैं, ये एक और एक, ये दो, इसी तरीके से चारों तरफ लगे हुए हैं। तो आप इनको खींच के अलग कर लीजिए यहाँ। चल भैया तेरी थोड़ी देर में काम आने वाला है। अभी ये खुल गया, ये हम खोलेंगे तीनों, ये मिरर हमारा बाहर हो जाएगा। लास्ट 1 2 3 तीनों बाहर, इसको इधर रखिए और इसको खोल लीजिए। ये वायर से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये है मेरा कैमरे का वायर। तो ये वायरिंग यहाँ तक मैं ले आया हूँ, ठीक है। ये वायरिंग मैं वहाँ से यहाँ से पास करता हुआ इसमें निकाल के ले आया हूँ। अब मैं इसे सीधा मिरर में लेके जा रहा हूँ। ये यहाँ इधर आ गई है, इसे
इस टाइप से इधर से लेके यहाँ से इसके होल से निकाल लेंगे और ये इधर यहाँ पे निकल जाएगा। अगेन ये यहाँ से निकाल लिया मैंने और इसे यहाँ से पास करते हुए हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इसे फिट करके इधर से इसको यहाँ डालेंगे और ये एक्चुएटर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो ये लग गया है वायर हमारा ऐसे, ठीक है। इसे हम अब वापस से माउंट कर देंगे यहाँ। तो ये हमारा सेट हो गया है, ठीक है। अब हम इसे बंद करते हैं। कैमरे की वायरिंग को मैं बाद में लगा लूँगा, ठीक है। अब इसके ऊपर भी अपना मिरर लगा लेते हैं। तो ये है इसका मिरर, इसे भी ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लगा के और ज़ोर से दबाना है और ये लग जाता है। हल्के हल्के छोटे छोटे क्लिप हैं, क्लिक होने के बाद में वो उसमें फंस जाते हैं बस। हाँ फाइनली ये तो मैंने इंस्टॉलेशन कर लिया। उसका ढक्कन अभी कैप नहीं लगा है और वो बाद में लगाता हूँ मैं, ठीक है। अभी मैंने ये जो वायरिंग है इसके कनेक्शन कर दिए हैं यहाँ पे 12 वोल्ट के दो, जो एक ब्लैक और वाइट ब्लैक और रेड वायर था इसको मैंने कनेक्शन दे दिया है 12 वोल्ट का। आप जहाँ से मर्जी वहाँ से दे सकते हैं, बाकी ये तो दो खाली रहने ही हैं। और ये अब हमारा बचा यहाँ पे लगाने के लिए, तो इसे लगाते हैं अब, क्योंकि ये है एक छोटा सा टिपिकल काम है। टेक्निकली इसे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मैं गर्म करके लाऊंगा वो जो जिससे हम काटेंगे इस एरिया को। और पहले मैं इसे भी हटा लेता हूँ। ये मेरा CNG का कनेक्शन है, लीजिए हट गया ये तो आसानी से। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, बाद में इसे माउंट करूँगा। और क्योंकि ये छोटा होल है तो इसकी जगह हम बड़ा होल करके यहाँ पे पहले मिरर के स्विच को सेट करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम इसे अब लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा हीट कटर है, हीट कटर यानी इसे हम पहले गर्म करेंगे, बिल्कुल लाल करके लेके आएंगे। ये मेरा पास में यहाँ पे ये किचन है, ठीक है, ये किचन की विंडो है। तो मैं फटाफट अंदर जाऊँगा, पलास से पकड़ूँगा और यहाँ पे लाके इसको ऐसे करके कट करना है मुझे। तो ये मेरी फाइनल जगह मैंने डिसाइड कर ली है, ठीक है। तो इसे हम प्लायर से पकड़ेंगे, उल्टे हाथ में फ़ोन रहने वाला है। और यहाँ पे आके मैं इसको धीरे से कट करूँगा और ये आप देखते रहिए, कोशिश करता हूँ आपको पूरी इस वीडियो को दिखाने की। ये यहाँ पे दूध निकला पड़ा है, ठीक है। एनीवे हमें तो गैस चलानी थी, तो हम इसे पूरा रेड कर लेंगे ताकि वहाँ तक जाने में भी ये ठंडा हो ही जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रहे। ये इस तरह का सॉल्यूशन बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि डैशबोर्ड में कटिंग करना बहुत टिपिकल काम है, चाकू से आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। और अगर करेंगे भी तो टेढ़ा मेढ़ा कटेगा, कोई साइज़ का पता नहीं है, छोटा कटेगा बड़ा कटेगा। अगर गलती से बड़ा कट गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल सही साइज़ का कटे, इसलिए मैंने ये एक डेमो भी करके देख लिया था पहले एक अलग प्लास्टिक के टुकड़े पे, इसीलिए ये थोड़ा सा ब्लैक की आपको दिख रहा था। और मैं अब ये रेड होने वाला है,
आप देख सकते हैं लगभग पूरा रेड हो गया है ये। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करने की कोशिश करूँगा ताकि एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो पूरा कटिंग हो जाए वहाँ पे। ये फटाफट 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 चल भाई कट कटो 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 फटाफट। ये शायद दूसरी बार भी जाना पड़ेगा, आई थिंक दूसरी बार भी जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है दूसरी बार भी जाना ही पड़ेगा। ये नहीं जा रहा पूरा अंदर, दोबारा से आना पड़ा मुझे क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, तो फिर से गर्म कर रहा हूँ इसे। ठंड बहुत है यहाँ पे, सर्दी है अभी तो इस वजह से थोड़ा जल्दी भी ठंडा हो जा रहा है, तो फिर से जा रहा हूँ। दौड़ दौड़ के करना पड़ रहा है ये काम। लेफ्ट हैंड में मेरे मोबाइल है और राइट हैंड से मैं प्लायर को पकड़े हुए हूँ। तो ये हो गया है रेड, फिर से मैं चलता हूँ फटाफट दौड़ के। ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे और जस्ट सेम उसी जगह लगाने की कोशिश करता हूँ। और कट जा भाई इस बार तो, नीचे से तो चला गया, थोड़ा ऊपर से भी इसको इधर से जाना चाहिए, इधर से बचा हुआ है। हाँ निकल गया, फाइनली कुछ इस टाइप से निकला है ये, आई थिंक ठीक ही रहा होगा। चेक कर लेते हैं इसको लगा के अभी। तो अभी कट गया ये कॉर्नर, थोड़े से वैसे हैं अभी, इसको फिनिश कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही लगाना चाहेंगे हम तो नहीं लगेगा, ये ज़रा सा छोटा रहा है तो ये अच्छी बात है, छोटा रहा है, इसको हम फिनिश कर लेंगे साइड से चाकू से और थोड़ा ओवर कर लेंगे इसको। अभी कटने में थोड़ा आसान हो गया, जगह मिल गई काटने की। तो ध्यान से करना आप, क्योंकि बाकी दूसरी जगह निशान नहीं आना चाहिए। अंदर की तरफ तो कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये आई थिंक आल्टो में जो मारुति की कार है उसमें ये सब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसमें प्रोविज़न पहले से ही होता है, तो ये स्विच उसमें फिट बैठेगा। ठीक है, ये थोड़ा नीचे से फाइनली मैंने ये थोड़ा साफ कर लिया और थोड़ा सा इसको घिसा है अंदर से ऐसे ऐसे, तो ये इसके साइज़ का बन गया है। तो मैं इसको अभी लगाने की कोशिश करता हूँ। देखें ये देखिए परफेक्ट, तो ये परफेक्ट हो गया है। अब जो नीचे वायरिंग पड़ी है सिंपली पीछे से हम इसे कनेक्ट कर देंगे स्विच में। तो दोस्तों मैंने ये वायरिंग भी नीचे से इसको लगा दी, तो जैसे ये कुछ थोड़ी सी बड़ी है तो इसे मैं बांध के यहाँ पे ऐसे और ऊपर टेप कर दूंगा। तो अब चेक कर लेते हैं हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ इसमें ऑप्शन दिया है राइट और लेफ्ट, अगर आपको राइट मिरर कंट्रोल करना है तो इसे आप राइट साइड में कर दीजिए। इसमें तीन क्लिक हैं, एक बीच में, बीच में करने के बाद कोई सा भी काम नहीं करेगा। और अगर आप सॉरी लेफ्ट में करेंगे तो ये लेफ्ट का लिए एक्टिव हो जाएगा, राइट में करेंगे तो राइट के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो अभी मैं राइट में करके और देखता हूँ। वाओ, ये लेफ्ट में किया मैंने, अब मैं इसे टॉप में कर रहा हूँ, तो ये टॉप हो रहा है, ये मैं बॉटम, ये बॉटम जा रहा है और मैं राइट में इसे
लेके जा रहा हूँ तो ये फुल्ली राइट में जा रहा है। वाह 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 वाह, हमारा ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल रहा, हमारा प्रोजेक्ट। और ये मैं करता हूँ इसे लेफ्ट में, अभी तो लेफ्ट में, अभी मैं इसे अंदर की साइड में मोड़ रहा हूँ। वाह जी वाह, अभी बाहर की साइड में मैं मोड़ रहा हूँ। वाह जी वाह, अंदर बॉटम अप, लो जी लो, आपका पूरा मिरर आपके एक सिंगल कंट्रोल पे चल रहा है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आइटम पसंद आया कि नहीं आया, और मेरी मेहनत के लिए बस मैं एक लाइक मांगता हूँ। बाकी आप जिन लोगों को ज़रूरत है इस किट की, हमारी वेबसाइट से आप परचेज कर ही सकते हैं। इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के लिए आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और अगर मेरा ये काम पसंद आया है और आप चाहते हैं कि अगला काम इससे भी ज़्यादा धमाकेदार हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे पास क्विड है मेरी अपनी, तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करता रहता हूँ, इस तरह की इसके ऊपर एक्टिविटीज़ मैं हमेशा करता रहता हूँ। तो आपके पास अगर कुछ नया आइडिया है तो आप दे सकते हैं, मैं उसका वेलकम करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके आइडिया को मैं सचमुच एक सजीव प्रोडक्ट के रूप में लेके आऊँ इन फ्यूचर। और अभी ये एक प्रोजेक्ट पे मैंने अभी पिछले 3 महीने से काम कर रहा था, तो भगवान की कृपा से और आप लोगों के प्यार से मैं इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो गया हूँ। इसमें बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, सारे प्रोडक्ट आपके कार के जो हैं सेम टू सेम रहते हैं, आपको केवल हमारी किट खरीदनी है और ऐड कर देनी है, ठीक है। तो ये आला कार्टे ऐड है, आप इसे कह सकते हैं आला कार्टे। और अगला जो प्रोडक्ट है वो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि अगला प्रोडक्ट करीब 2 से 2.5 महीने में मैं लॉन्च करूँगा, यानी फरवरी या मार्च में, और उसकी पहली झलक आपको नेक्स्ट वीक में मिलने वाली है, यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक में, ठीक है। मैं ये गारंटेड आपसे बोल सकता हूँ कि इसका जो कॉस्ट है वो हमने बहुत सोच समझ के बहुत कम रखने की कोशिश की है, और उसकी दूसरे वाले प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट रहेगी वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण से बाहर है, उसमें हम कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, इसलिए वो एक अलग मैटर रहेगा। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट आप हर गाड़ी में लगा सकते हो, जिसमें आपकी तीनों गाड़ियां आ गई हैं, रेनॉल्ट की, क्विड, काइगर और ट्राइबर, ये सेम टू सेम किट तीनों गाड़ियों में लग सकती है। इसके अलावा चौथी गाड़ी है हमारी मारुति की अल्टो, अल्टो में भी कोई सा भी वर्जन हो, लेकिन ये दो तरह के मिरर होते हैं, जो कि बड़ा वाला मिरर होता है उसके अंदर फिट होगा, जो एक चपटा सा छोटा सा होता है हाथ के जैसा सीधा खड़ा रहता है उसके अंदर फिट नहीं होगा ये, तो ये आप ध्यान करके अपग्रेड कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आपकी जो सपोर्ट है वो और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और बढ़ाओ प्लीज़, और मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।